अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जैसे कि मैं आपकी प्यारी सी रामीन मलिक। और गाइस, आज मैं आपसे ना टिकटॉक के बारे में फिर से बात करने आई हूँ। आप कह रहे होंगे कि टिकटॉक के पीछे मैं पड़ गई हूँ, ऐसा नहीं है गाइस। मैंने देखा है कि बड़े बड़े स्टार जितने भी हैं टिकटॉक पे और जितने भी फेमस हो गए हैं और जो हो रहे हैं, खास करके गर्ल्स, मैं गर्ल्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि क्या वो क्या ड्रेसिंग है उनके पास टिकटॉक की, किस तरह के ड्रेसिंग में आ गए हैं। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि क्या उनके घर वाले ये नहीं देखते हैं कि क्या ड्रेसिंग कर रही हैं और ये क्या नहीं कर रही हैं। तो देखे ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है टिकटॉक पे। ठीक है, अगर कभी ये इंडिया की ड्रेसिंग भी आ जाती हैं, कभी ये कौन सी ड्रेसिंग में आ जाती हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये चाहती हूँ टिकटॉक बन रहे हैं, अच्छे टिकटॉक बन रहे हैं, लेकिन गर्ल्स को चाहिए कि अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करे, शलवार कमीज। हमारे पाकिस्तान की जो ड्रेसिंग है, सबसे अच्छी शलवार कमीज है, और जिसे बोलते हैं साड़ी पहन लें प्यारी सी, और साफ सुथरा लिबास पहनकर जो है अपना टिकटॉक बनाए। ये क्या किसी ने इतनी ऊंची शर्ट्स पहनी हुई है, किसी ने ट्राउजर इतना ऊंचा पहना हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया है, ऐसे तो खैर नहीं होता। मेरा कहना ना यही है, आप लोग कह रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि रामीन मलिक टिकटॉक के पीछे ही पड़ गई है। मैं टिकटॉक के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं टिकटॉक वालों के पीछे पड़ गई हूँ कि वो किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, किस तरह का क्या कर रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कोई अच्छी सी ड्रेसिंग हो, अच्छी सी ड्रेसिंग पहने। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा सा थोड़ा सा दीन इस्लाम की तरफ भी चले जाएँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी वो पाकिस्तान को गंदा किया जाए। पाकिस्तान को गंदा मत करें गाइस, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी सी वो ड्रेसिंग करें और अच्छे से कपड़े पहने। और मैं आपसे क्या कहूँ, और बल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार चाहिए आपका, बहुत सारी आपकी दुआएं चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना प्यार इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हमारे सॉन्ग्स वगैरह भी इसी चैनल पे रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अच्छा लगेगा। और उसके साथ जो छोटा सा बटन है ना, उसको यूँ टन करके ना क्लिक भी कर दीजिएगा। तो गाइस, जो टिकटॉक वाले हैं, अब टिकटॉक वाले जाहिर सी बात है, अब सारों ने मुझे कहना है कि रामीन मलिक जो है वो टिकटॉक के पीछे पड़ गई हैं। मैं टिकटॉक के पीछे, वैसे इमरान खान साहब, आपने बहुत अच्छा किया था कि टिकटॉक बैन कर दिया था, और बिल्कुल आपको चाहिए था कि बिल्कुल बैन कर देते, बिल्कुल बंद कर देते। ठीक है, लेकिन चलें, खोल भी दिया टिकटॉक तो कोई मसला नहीं है, इस ओके। लेकिन गाइस प्लीज़, आज आप लोग जितने भी सुपरस्टार जो बन रहे हैं ना टिकटॉक से, ठीक है, इतने नखरे दिखाने, ये करना वो करना, आपको मिलने के लिए बाहर लाइन लगाएं, ठीक है, पैसे भरें, इतना तो अब किसी के पास वो नहीं है। आज आप लोग जो कुछ भी हैं ना, वो हम लोगों की वजह से है। ठीक है, हम जितनी भी आवाम जितनी भी है, ये सिर्फ आप हम लोगों की वजह से हैं। हम लाइक्स करते हैं तो आप लोग आगे निकल गए हैं, अदरवाइज वरना नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को भी चाहिए, जितने भी छोटे टिकटॉकर्स हैं उनको भी लाइक करें, उनको भी कमेंट्स करें, उनका भी दिल है। जब वो आपको लाइक कमेंट्स कर रहे हैं तो आपका भी काम बनता है, उन्हें आप लाइक कमेंट्स अच्छे अच्छे आप लोग भी करें। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं, कहीं शान में कमी ना आ जाए आप लोगों की, कि नहीं। जाहिर सी बात है, जब इंसान स्टार बनता ना तो वो कहता है मेरी शान में कमी आ जाती है।